अस्सलाम वालेकुम भाई और बहनों, क्या हाल है? खैरियत से हो गया आप लोग? तो यार पहली बात तो ये कि जैसे कि तुम लोगों ने टाइटल में और थंबनेल में तुम लोगों ने पढ़ लिया होगा और देख लिया होगा कि भाई किस बारे में वीडियो, अगर तुम लोगों ने इसके ऊपर क्लिक कर ही लिया है तो यार एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वो मेरी सुन लो और अगर उसके ऊपर तुम लोग अमल कर सकते हो तो अमल करो, अगर नहीं कर सकते तो यार आगे शेयर लाजमी करना, बिकॉज के इससे हमारी खुद की मदद हो, हम पूरे पाकिस्तानी। तो यार जैसे कि तुम लोगों को पता है, तुम लोगों ने न्यूज़ में भी देखा होगा आजकल कि यार पाकिस्तान जो है वो फ्लड की वजह से बहुत डिस्ट्रॉय हो रहा है, ठीक है, डिज़ास्टर्स आ रहे हैं, सैलाब ज़दगान है वो, भाई बहुत मुसीबत में इस टाइम, और पूरी जो हमारी हुकूमत है, हुकूमत हो गई कोई भी और लोग हो गए, बहुत बढ़ चढ़ के कर रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं इस चीज़ के अंदर कि डोनेशन जमा कर रहे हैं, आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं, आगे पहुँचा रहे हैं उन तक, ज़रूरतमंदों तक। तो यार अब कुछ लोग आ जाएंगे कि हुकूमत कुछ नहीं कर रही, यार देखो हुकूमत बहुत कुछ कर रही है लेकिन तुम लोगों को नहीं पता चल रहा। अब ये जो हेलीकॉप्टर्स वहाँ पे जा रहे हैं जिनके थ्रू ये सामान वगैरह जा रहा है वो हुकूमत के ही है ना, तुम्हारे अपने तो है नहीं। सॉरी अगर किसी को बुरा लगे, मुझे इससे कुछ नहीं कि बुरा लगता है जो मर गया, लेकिन ये बात जो है वो है, हुकूमत के पास अभी इतना नहीं है जितना डिज़ास्टर आया उतना नहीं हुकूमत के पास है। यार देखो अब ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अब ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जितने भी पाकिस्तानी उन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यार जो हमारे भाई बहन माँ बाप बेटी जो वहाँ पे सैलाब वाले इलाकों में, जहाँ पे सैलाब आया हुआ है उस इलाकों में फंसे हुए हैं, उनकी मदद के लिए हम खुद कुछ करें तो बात है, वरना हुकूमत के ऊपर रिलाय कर देंगे हम, छोड़ देंगे तो यार बहुत मुश्किल है, सॉरी टू से कुछ भी नहीं होगा। तो हुकूमत का एक दफ़ा साइड पर रखते हैं, ठीक है, मैं तुम लोगों से बस ये छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि यार तुम इतने डोनेट करो, इतना डोनेट करो, इतना डोनेट करो, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि यार कुछ डोनेट करो, सिर्फ कुछ डोनेट। अब जैसे तुम लोगों के पास बहुत से कपड़े होंगे फ्री जो तुम लोग यूज़ नहीं करते, चूस चूस के रखे हुए होंगे तुम लोगों ने अलमारियों में, सब ने रखे हुए थे, मैंने खुद रखे हुए थे कि यार ये मैं अब पहनूंगा, लेकिन नहीं पहना जाता बिकॉज के या तो हमें अच्छे नहीं लगते या हम एक दो जगह पहन के रख देते हैं, भाई छोड़ो खाली करो और आ जाते हैं। देखो हमारी इतनी हैसियत है, अल्लाह ताला ने हमें इतना दिया हुआ है कि हम लोग नए कपड़े ले सकते हैं, लेकिन अभी जो वहाँ पे लोग हैं ना उनको ज़रूरत है इस चीज़ की, उनके पास ना खाने को कुछ, ना पीने को पानी सही और ना रहने के लिए जगह। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि यार प्लीज़ थोड़ा बहुत ही डोनेट करो, लेकिन डोनेट करो, मुझे नहीं करते किसी और को कर दो, किसी और को नहीं करना। आर्मी ने हर जगह कैंप, जगह जगह कैंप लगा के बैठी हुए, मुल्तान में, हर पूरे पाकिस्तान में, इवन पूरे पाकिस्तान में कैंप्स लगाए, तो यार प्लीज़ करो डोनेट। अब डोनेशन की किस तरह मैं बात कर रहा हूँ, मैं आपको नीचे यहाँ पे एक तो इधर नंबर भी आ जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं सारा मेंशन कर दूंगा। मैं अपने भाई के साथ मिलके कर रहा हूँ, उनके साथ उनके दोस्त हैं, कज़न्स हैं हमारे, हम सारे मिलके कर रहे हैं, और ये अभी मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ, साथ यहाँ पे चल रही होगी, ठीक है, ये सारा जो है जमा किया हमने जो एक दिन में, तो जो कि दो से तीन दिन में सारा जमा हुआ है, और वो हम लोगों ने आज मेरे ख्याल से हमने सुबह मेरे ख्याल से रवाना हो गया था, आज या कल रवाना हो गया था, ठीक है। तो हम खुद भेज रहे हैं, हम किसी के थ्रू नहीं भेज रहे कि भाई किसी और को जाके देते हैं वो आगे कर दे, क्योंकि यार हम लोग भी इंसान हैं, इंसान के दिमाग में आता है, दिल में आता है कि यार कोई अपने पास रख ले, उनको ना पहुँचाए, लेकिन हम लोगों ने इसलिए क्या किया, हम लोग खुद एक बंदा पकड़ा, एक बंदा बंदे को किया कि भाई वो उधर जाके वहाँ पे वो देगा और वो वीडियो बनाएगा बकायदा इस चीज़ की कि वो उसने दिया है, ये इसमें नहीं कि यार हम लोग इतने हैं कि हम लोग डोनेशन कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हमने सिर्फ इसलिए किया क्योंकि लोग मांगते हैं भूल के, भाई हमारी जो हमारा जो सामान है, हमारा दिया हुआ पैसा है, जो भी चीज़ है, खाना है पीना है जो भी चीज़ है ना, वो उन तक पहुँच रही है। तो भाई देखो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि डोनेशन करें, आप दिया गया नंबर है सारा कुछ, नंबर दिया हुआ है इस पर कॉन्टैक्ट करें, बेशक से आप फेस टू फेस आके देना चाहते हैं मुल्तान में तो आप फेस टू फेस दे सकते हो, आप अगर बाहर किसी दूसरी सिटी से हैं तो वहाँ से आप कॉन्टैक्ट वगैरह करके सारा कुछ प्रोवाइड कर सकते हैं आप ईजीली। अब बेसिकली जो हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं वो कर रहे हैं अनकुक फूड, बिकॉज़ के यार वहाँ पे जाते जाते खाना जो है वो सारा ख़राब हो जाता है अगर हम बनाते हैं पका के लेके जाते हैं, ठीक है। 4-4.5 घंटे का सफ़र है और उसके बाद जो जैसा एरिया है वो पानी से भरा हुआ है तो बहुत मुश्किल है, तो ज़्यादा से ज़्यादा
6-7 घंटे लग जाते हैं। 6-7 घंटे कोई भी खाना विदाउट फ्रिज सही नहीं रह सकता, ठीक है। अब उसके अलावा कपड़े हैं, ठीक है, जो पुराने कपड़े हैं हमारे पास जो हम यूज़ नहीं कर रहे वो हैं, चप्पलें हो गई, जो हम लोग सैंडल्स वगैरह पहनते हैं, स्नीकर्स पहनते हैं, शूज़ पहनते हैं, वो चीज़ें हो गई। उसके बाद जैकेट्स वगैरह हो गए, अपर्स वगैरह, और ये सारी चीज़ें जो इस चीज़ से रिलेटेड चीज़ें हैं ना, यानी ये तो हम लोग यूज़ नहीं करते, वो मैं कह रहा हूँ कि आप डोनेट करें ताकि आपका ही मुल्क है यार, कि आप लोगों का मुल्क है, ये सिर्फ एक हुकूमत का या एक इंसान का मुल्क नहीं है। हम सबका फ़र्ज़ है ये कि यार हम लोग इसके डोनेट करें, हम लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, ठीक है। आप लोग जो देख रहे हो, अगर आप लोग कर सकते हो अपनी हैसियत से बढ़ के जितना हो सके उतना आप डोनेट करते हैं ताकि उन बेचारों को मदद हो जाए थोड़ी सी उनकी, ठीक है। और अगर आप लोग नहीं कर सकते कोई मसला नहीं, आप दुआ करें, लेकिन इस वीडियो को साथ साथ शेयर कर दें और नीचे कॉन्टैक्ट नंबर को शेयर कर दें जहाँ पर आपको लगता है कि भाई वो लोग कर सकते हैं। बल्कि आप ऐसा करें, आप अभी से शेयर करना स्टार्ट कर दें इस वीडियो को, ताकि यार जितने लोगों तक ये पहुँचेगी उतने लोगों तक ये मैसेज पहुँचेगा और आराम से एक अच्छा डोनेशन हम लोग जमा कर सकते हैं जो हम आगे उनको डोनेट करें, यार उनकी हेल्प हो जाए थोड़ी सी। प्लीज़ इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि आप लोग डोनेट करें, नीचे नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे स्क्रीन पे भी नंबर शो हो रहा है आपको, आप इनको कॉल करें, साइम नाम है इनका, अगर आप इनको कॉल करना चाह रहे हैं आप कॉल करें, व्हाट्सएप करें, जो मर्जी आपने जिस तरह बात करनी है जिस तरह करना करें, बट प्लीज़ डोनेट समथिंग। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।